एवरीवन, मैं साधना। वेलकम टू माय चैनल यम्मी पकाओ यम्मी खाओ। आज मैं आलू की कचौड़ी बनाऊंगी जो बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनती है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी यम्मी यम्मी रेसिपी बना सकूँ आप तक पहुँच सके। तो चलिए आलू की कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आलू को बॉयल करेंगे। एक सीटी लगा लेंगे इसको। कचौड़ी के लिए आटा को रेडी करते हैं। ये हाफ केजी आटा है, इसमें मैं 250 ग्राम मैदा है और 250 ग्राम आटा यूज की हूँ। दोनों को मिक्स करके अब इसमें तेल ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून नमक, कलौंजी और ये अजवाइन। हमें खस्ता बनाना है इसलिए इसमें तेल बहुत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, तभी हमारी कचौड़ी खस्ता बनेगी। और इसको हम अच्छी तरह से दोनों हाथों के बीच में लेके तेल को ऐसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और ऐसे इसको मिक्स करते जाएंगे और इसे हमें अच्छे से गूंथना है, सॉफ्ट नहीं बनाना है। इसको हम हल्का फैला फैला के ऐसे गूंथेंगे और थोड़ा टाइट ही रखेंगे इसे। ये इतना टाइट है, इसी को हमें गूंथना है और गूंथ के सॉफ्ट करना है। अच्छे से दोनों हाथों से पकड़ पकड़ के ऐसे मिक्स करेंगे अंदर की तरफ ऐसे डालते हुए। आटा हमारा रेडी हो गया है, अब इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। आलू बॉईल हो गया है, अब इसका छिलका हम निकाल लेंगे। आलू को हम मैश कर लेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर क्या बोलिए, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर में ऐड की हूँ, हाफ टी स्पून चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च, एक प्याज है बारीक, मैंने इसको काट लिया है, इसको ऐड करेंगे, लहसुन 1 टेबल स्पून पेस्ट लहसुन का, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून नमक। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले गैस पे पैन रखेंगे और इसमें तेल ऐड करेंगे कचौड़ी को तलने के लिए। आंच को मीडियम कर देंगे, तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम कचौड़ी को तैयार कर लेते हैं। छोटा सा लोई लेंगे, हल्का आटा लगा लेंगे इसमें लोई में और इसको बीच में दबाना है, थंब से दबाते हुए इसको ऐसे। और इसमें हम स्टफिंग को फिल करेंगे। इसको अंदर की तरफ दबाते हुए हम इसको ऐसे ऊपर के साइड ले जाएंगे। ये लोई ले लेंगे दूसरा,
मैं आपको बेल के बता रही हूँ कि बेल के भी हम इसको भर सकते हैं। इसको हल्का सा बेल लेंगे, इसको पकड़ के ऐसे हम ऊपर से बांध देंगे। इसको हम ऐसे भर लेंगे, सेम प्रोसेस में इसको भी भरेंगे। इसको हमें बेलना नहीं है, बस ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे ही सब हम बना लेंगे कचौड़ी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं छोटा सा आटा डाल के। ऊपर आ गया है, अब इसमें हम कचौड़ी डालेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छे से पके, और पकने के बाद हमारा क्रंची बने। कचौड़ी ब्राउन दिख रही है, रेडी हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं, फूली फूली सी कचौड़ी बहुत ही अच्छी बनी है। आलू की कचौड़ी रेडी हो चुकी है, फूली फूली सी और ऊपर से बहुत ही क्रंची बना हुआ है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।